नमस्कार। अचानक जेएनयू में ये पूरा बवाल नहीं हुआ है। अगर ढंग से आप देखेंगे तो आपको पूरी प्लानिंग दिखाई दे जाएगी, प्लॉटिंग कैसे की थी वो दिखाई दे जाएगा और सेटिंग कहां हुई थी ये भी दिखाई दे जाएगा। डेली इलेक्शन से अगर आप इसको जोड़ करके देखेंगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा। आपको पूरी कहानी सिर्फ 7 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं कड़ा संदेश न्यूज एंकर को देने वाला हूं। ये वीडियो मीडिया सेंट्रिक रहने वाली है। बहुत सारी खबरें इसमें आपको मेरे ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल पे मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में सितंबर से आग लगी हुई है। अब तक 50 करोड़ जीव जंतुओं की जान चली गई है। कई तो खड़े खड़े और कई भागते भागते राख के बूत में बदल गए हैं। करीब 5 महीने से जल रही इस आग से अब तक जितने जीव जंतु मारे गए हैं उसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल है। जो वीडियो मेरे अगल बगल दाएं बाएं आप देख रहे हैं उसको देखने के बाद आपको दुख हो रहा होगा, एक हल्की सी घुटन महसूस हो रही होगी, आंखों में आंसू आ रहे होंगे, बुरा भी लग रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे सिर्फ 2 ही कारण हैं कि आपके अंदर इमोशन है, आपके अंदर इंसानियत है, भावना है। लेकिन इनके न्यू इंडिया में ना ही भावना है और ना ही इंसानियत है। भावना और इंसानियत सबसे पहले एयरप्लेन मोड पर चले जाते हैं। वो कैसे मैं समझाऊंगा और कौन से भारत की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, डबल कंफर्म कर लीजिए मैं कौन से भारत की बात कर रहा हूं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोकानाम उपरी भागे भूर लोके, यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी में कहां की बात कर रहा हूं। भरतखंडे भारतवर्षे जम्बू द्वीपे कर्म भूमौ साम्यवती कुरुक्षेत्रादि संभूमौ आर्यावर्तांतरगत ब्रह्मावर्तैक देशे, यानी भारतवर्षे, मैं भारत की बात कर रहा हूं, सब चंगासी नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब यह तस्वीर हिंदुस्तान की है, आदर्श भारत की है, अतुल्य भारत की है। इसका नया नाम है अब न्यू इंडिया, जहां पर शिक्षकों को पीटा जाता है, डॉक्टरों को मारा जाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ने से रोका जाता है, एक समुदाय के लोगों को घेर घेर कर डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, फिर मारा जाता है। और ऐसा करने वाले लोगों को कोई पछतावा नहीं है और ना ही कोई पश्चाताप है। अब ये इन लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। अब इनकी हिम्मत है वो लीप्स एंड बाउंड, यानी कि दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। ये लोग खून के प्यासे बन चुके हैं और हमारे देश में कुछ लोगों को देख करके अच्छा लगता है, कहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये सारे लक्षण तो इंसानों के तो नहीं है, सारे लक्षण असुरों के हैं, सुरों के तो दिखाई देते नहीं। ये कैसा भारत बना दे साहब आपने, और मीडिया वालों और तुमने, खास करके अपनी शराफत वाली मिलावट को भी दिखा दो ना एक बारी। जेएनयू में रविवार शाम को कुछ 40 से 50 नकाबपोश बदमाशों ने जेएनयू में तोड़फोड़ की, जिसमें कैंपस की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, स्टूडेंट्स और शिक्षकों पर लाठी और डंडे और रॉड से हमला किया गया। जहां जहां हमला हो रहा था वहां वहां सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे थे, लाइट्स बंद की जा रही थी। जेएनयू की प्रोफेसर सुचित्रा के सर पर चोट आई है, 4 छात्र के हाथ की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो चुकी है। सब दर्जंग अस्पताल पहुंचे छात्रों के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया है। लेफ्ट की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाली जेएनयू की छात्र संघ की अध्यक्ष आयशे घोष भी बुरी तरह से घायल हुई है। इतना ही नहीं, मेडिकल हेल्प के लिए पहुंची डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस भी पथराव की चपेट में आ जाती है। सवाल यहां पर बहुत सारे खड़े होते हैं। सवाल यह है कि विश्वविद्यालयों में छात्रों को शिक्षकों के सुरक्षा जिम्मेदारी कुलपति की होती है, वह इसे सुनिश्चित करता है, लेकिन विश्वविद्यालय के इस 4 घंटे तक हिंसक तांडव होता रहा तो कुलपति ने क्या किया, कुलपति कहां थे, सवाल पूछा जाना चाहिए। आखिर कैंपस में मौजूद, कैंपस में तैनात सुरक्षाकर्मी कहां थे, उन्होंने कितने लोगों को रोका या पकड़ा, उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए पकड़ करके। होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर आने वाली जामिया में घुसने वाले दिल्ली पुलिस का दापता नहीं। मौकाए वारदात तक पहुंचने के लिए पुलिस को पहले बहुत ज्यादा समय लगा और जिस समय जेएनयू कैंपस में उपद्रव हुआ पुलिस वहां मौजूद थी, कोर्ट की जगह इस बात को, और यही पुलिस कहने में लगी हुई थी कि जब तक उन्हें जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन नहीं मिलेगी, वाइस चांसलर से परमिशन नहीं मिलेगी, वो जेएनयू में नहीं घुसेंगे। अब इन्होंने तो श्रवण कुमार को फेल कर दिया,
मौकाए वारदात तक जाने के लिए पुलिस को किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं। पहली बात, अपने ज्यूरिसडिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनका काम होता है, ये मैंने आपको खुद कानून बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली बात आपको देखना होगा, अगर आप पहुंच जाते इतनी तोड़फोड़ नहीं होती, समझना होगा। खैर, इस पुलिस से भी क्या सवाल पूछे जो अमित शाह जी के अंडर आती हो। अब उन्होंने तो ऑर्डर दे दिए कि शांति बनाई जाए, पुलिस ने जाकर के फ्लैग मार्च किया, सिचुएशन नॉर्मल रही। इस पूरे इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने, जर्नलिस्टों ने कई सारे फोटोज को शेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फलाना विंग की के लोगों ने किया है, फलाना विंग के लोगों ने हमला किया है, ये फोटोज है, ये चैट है। लेकिन अभी तक मैं बता दूं, इस मामले को लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। होगी या नहीं भी होगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। वैसे तो दिल्ली पुलिस ने जेएनयू हिंसा का जो मामला है अपनी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है, और आज सुबह जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा तो दो वीडियोस मेरे सामने आती हैं। पहली वीडियो आप देखेंगे टाइम्स नाउ की, जिसमें एबीवीपी की पदाधिकारी कबूल कर रही हैं कि उनके कार्यकर्ता रॉड, डंडे, तेजाब उनके हाथ में लगे थे, उसे लेकर के उनके गुट से निकले थे। हालांकि तेजाब का किसी ने इस्तेमाल नहीं किया टाइम्स नाउ की इसमें डिबेट में। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि दो एबीवीपी के लोग डंडा लेकर के क्यों खड़े हुए हैं अनिमा सोनकर। यस, सो द थिंग इज in all the WhatsApp groups it was so much panic was spread, so much threatened calls were given that whenever you are stepping out, step out in groups, step out while you have rods, bars, whatever you get handy, pepper spray, somebody has acid. I have not even heard or seen any case of acid attack or something. No, so you're saying that these way. Two members are so of no the ABVP? Aap maan rahi hai ki dono ABVP ke hain? Yes, I'm not disowning. Aur ye laathi kyun pakde hue hain? Self defense mein laathi pakde hue hain. Self defense, it's complete self defense. Okay, so many. So you're admitting that yesterday you got two of your ABVP members jo laathi lekar ke ghoom rahe the? Bataiye, haath mein tezab bhi tha, aap iska andaaza lagaiye ki inki mansikta, inki nafrat कौन से चरम पर पहुंच गई है, क्या सोच रहे हैं। दूसरा वीडियो है हिंदू रक्षा दल। अब इन्होंने दावा किया है कि जेएनयू में जो हिंसा हुई है वह उनके कार्यकर्ताओं ने की है। अब इस दावे पर दिल्ली पुलिस जांच है वो करना शुरू कर देगी। अब इनका कॉन्फिडेंस देखिए, और देखने के बाद बताना कि भाई साहब ये बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर जो असली जो मुजरिम है उनको बचाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नकाब इन्होंने क्यों पहना था। आप जैसे लोगों के लिए ही मैंने INI आस्था चैनल खोला हुआ है, और एक गंदगी आप फैलाना बंद नहीं किया साहब, वीडियो देखिए। हमें वो बर्दाश्त नहीं हुई, और ऐसी गतिविधियां हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, और हमारे देश में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं। हमारे देश में ऐसी गतिविधियां हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा। देश विरोधी गतिविधियां अगर हमारे यहाँ कोई करेगा तो उसे इसी तरीके का जवाब दिया जाएगा जैसा हमने कल शाम को दिया है, और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हमारे धर्म के खिलाफ इतना गलत बोलना और किस तरीके का इन लोगों का जो है व्यवहार है, कई वर्षों से जेएनयू कम्युनिस्टों का अड्डा है। अब देखिए, जेएनयू के अध्यक्ष आयशी घोष सहित 20 के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, जिसमें दिल्ली में 8 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, 11 फरवरी को चुनाव नतीजे आने का ऐलान होगा। अब आपका जो कॉन्टेस्ट होगा वो बीजेपी और कांग्रेस से है। आप कहती है कि उनका जो वोट है वो जनता उनके काम पे देने वाली है, मुफ्त बिजली हो गई, स्कूल हो गया, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, और वहीं 2015 में खाता भी नहीं खोलने वाली कांग्रेस की भी उम्मीद है कि इस बार वो खाता खोल लेंगे, ठीक है। 2019 में बीजेपी एक बार फिर चुनाव जीत कर आई है, ऐसे में उम्मीद है कि कुछ मोदी मैजिक के सहारे वो इस बार भी मैजिक कर लेंगे। अब इसी मैजिक के चलते मुझे एक बुलेट मैजिक थ्योरी प्लस एजेंडा सेटिंग थ्योरी को मिलाकर कुछ आपको बताना है। देखिए, आप लोगों ने हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी भी सुनी होगी। वर्ल्ड वॉर टू में मीडिया का काफी इस्तेमाल किया गया था एक प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, लोगों को गलत जानकारी देकर के भ्रम फैलाने के लिए। ठीक उसी तरह से इस स्वर्णिम गोदी काल मीडिया में कुछ शब्दों को लगातार आपके दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, हर दिन किया जा रहा है। अब मीडिया के द्वारा जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, खान मार्केट, एंटी नेशनल, अगर क्रोनोलॉजी दाएं बाएं हो गई तो माफ कर देना, मेरे से हो जाता है। अब देखिए, एक तरह से इस नफरत को बढ़ाने का शब्द का इस्तेमाल मैं यहां नहीं करूंगा, नफरत को पनपाने में मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब देखिए भाई साहब, मीडिया की एजेंडा सेटिंग थ्योरी भी यहां काम कर गई है, जिसमें जनता को समझा दिया है उनको किस बारे में सोचना है,
बार बार ढकेला जाता है कि आप सोचिए सोचिए सोचिए, और मुद्दों से भटकाया जाता है। नतीजा क्या हुआ कि आज एक इंसान दूसरे इंसान को मारने पर तुला हुआ है, लहूलुहान करने पर तुला हुआ है, यह कह रहा है इनके साथ जो हो रहा है ठीक है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, यह कहा जा रहा है। यह कहां लाकर खड़ा कर दिया हमारे भारत को आपने और इस देश की मीडिया ने? यह भारत वो भारत है जहां पर एक चींटी भी गलती से पैरों के नीचे आ जाती है तो यहां पर दुख होता है, और यहां पर एक इंसान को मारा जा रहा है, उसको लहूलुहान किया जा रहा है, और आपकी मानसिकता कहती है कि ठीक हो रहा है इनके साथ। भारत की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इस बात को आपको समझना होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह का आपने माहौल देश के अंदर बना दिया है उसकी जो आग आपने लगा दी है ना, वो बहुत दूर तक जा रही है। आज अहमदाबाद में हिंसा हो रही है, हर जगह हिंसा हो रही है, इसी नफरत को लेकर हिंसा हो रही है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, इनको इनको देश से निकाल के बाहर फेंको, ये आतंकवादी हैं और ये आतंकवादियों का अड्डा है। किस तरह से आपने इंजेक्ट किया हुआ है, बार बार उसी चीज को बताया जा रहा है और देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। भैया एंकरों, मेरे भाइयों बहनों, सुन लो, अपने मैनेजमेंट से, अपने एडिटोरियल टीम से कहने की कोशिश तो करो कि हमारे बच्चे भी इसी देश में जाएंगे। हर बार पैरासूट से पहुंच करके आप इस स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचेंगे, आपको सड़क का मार्ग लेना ही होगा। आप खुदा ना खास्ता ये स्थिति कभी ना आए कि देश में भयावह ऐसा माहौल हो जाए कि घर से हम बाहर ही ना निकले। CAA को लेकर के जिस तरह प्रोटेस्ट हुए थे, हिदायत दे दी गई थी भैया घर में रहिए, इंटरनेट बंद कर दिए गए थे। आप सोचिए आप इस तरह में लगे हुए हैं कि आप ये स्थिति देश भर में 365 दिन लागू करवाने के लिए तुले हुए हैं। आप सोचिए कि आपने देश की जनता को क्या बना के रख दिया है। आज एक इंसान दूसरे इंसान को मरता हुआ देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वो ये कहता है कि अच्छा हो रहा है, ये देश के आतंकवादी इनको बाहर निकाल के फेंको, खून निकल रहे हैं, अच्छा हो रहा है, कहां लाके खड़ा कर दिया आपने? अब जेएनयू केस में भी मैं बहुत सारे लोगों के मैं ट्वीट्स देख रहा था, वो कह रहा ठीक है ये लेफ्टिस्ट है, टेररिस्ट है। अच्छा मुझे आप बताइए भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, आपके लिए उनके लिए क्या विचार है? सुभाष चंद्र बोस, उनके लिए क्या विचार है? अब जेएनयू के जो वाइस चांसलर है उनका तो इंक्लाइंड राइट विंग की तरफ है ना, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? तो कृपया दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आगे को बढ़िए। और दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि नफरत इस तरह बढ़ चुकी है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो बोलना चाह क्या रहे हैं। आप सभी को याद होगा मैंने ट्वीट किया था पहले, आप एक चीज को समझिए, जब मैंने कहा था कि जेएनयू में हिंसा हो रही है तो लोग नीचे, बकायदा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और वो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझसे कहते सही तो हो रहा है, तुझे क्या इसमें दिक्कत हो रही है? सही नहीं हो रहा है साहब, आपके मानसिकता कहां चलेगी? दर्द दुख उस बात को लेकर के हो रहा है। आप सभी को याद होगा कि जब राहुल गांधी ने एक असंवेदनशील बयान दिया था कि रेप इन इंडिया वाला बेहद ही गंदा घटिया बयान था, उसको लेकर के जब मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने रेप कैपिटल कहा है दिल्ली को, तो लोग मुझसे क्या बोलते हैं कि तुझे समझ में नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी वाले जो रेप बोला है और जो राहुल गांधी ने रेप बोला उसमें अंतर समझ में नहीं आ रहा। वाह, अब आप यह बताओगे मुझे कि रेप में भी अच्छा और घटिया होता है? यह मानसिकता है, यह मानसिकता है, इसको निकाल दो। ये मीडिया वालों जिस तरह से आप लोगों को भर दिया है ना, आपका दिमाग बंद कर दिया है, नफरत इतनी पनप चुकी है कि एक इंसान मर रहा है दूसरा मर रहा है लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता। कल AMU, आज JNU और हो सकता है कल आप भी हो। अगर ये नफरत की राजनीति में अगर आप लोग पड़ जाते हैं, आप अगर आवाज नहीं उठाते हैं, तो आने वाले वक्त में भी किसका नंबर भला कुछ नहीं पता। 24 घंटे आप घर के अंदर रह सकते हो, 48 घंटे रह सकते हो, हफ्ते भर रह सकते हो, लेकिन खाने कमाने के लिए जाओगे ना बाहर निकल करके? अगर देश के अंदर यही माहौल रहा तो कहां जाएगा देश? कौन सा पावर बनेगा? इकोनॉमिक पावर बनेगा? मिलिट्री पावर बनेगा? कौन सा सुपर पावर बनेगा? विश्वगुरु क्या बनेगा? आपको हिंसा बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा हो रहा है, देश को निकाल के बाहर फेंको। मीडिया वालों संभल जाओ, थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि देश में आपके भी बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, जो जिस तरह का जो माहौल है ना, वो हमारे लिए भी, वो माहौल आपके बच्चों के लिए भी है। कम से कम उनकी पीढ़ी नहीं तो उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचो कि आप बनाकर क्या जा रहे हो। हमारे पूर्वजों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या यह सोचा था कि देश के अंदर यह चीज होगी इसीलिए हम आजादी दे रहे हैं? उन्होंने सोचा था कि जितने हम लोगों ने जिस तरह से अंग्रेजों की गुलामी की है, स्वतंत्रता नहीं थी, कम से कम ऐसा तो वातावरण होना चाहिए जहां पर हम खुली सांस, चैन की सांस ले सकें, इसीलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। अब मैं देश की मीडिया से कहना चाहूंगा, जो आपने हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी प्लस एजेंडा सेटिंग थ्योरी को मिलाकर के जो आपने रायता फैलाया ना, कृपया करके थोड़ा सा संभालने की कोशिश कीजिए। इंसान के अंदर के इंसानियत को आपने मार गिराया और आज
स्थिति क्या है देश की आप देख सकते हैं। इंसान काटने पीटने मारने तोड़ने से सोच नहीं रहा, वो मार दे रहा है। भारत की संस्कृति क्या ये बात कहती है। अब आज माहौल ये हो रखा है कि दुनिया कहती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के आईएएस बनेगा, और आज उसकी मानसिकता देखें तो आईएसआई जैसी है, कट्टरता वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा समझिए, ज्यादा हो गया, मिलता हूं अगली वीडियो में।